रहमान मैं बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदम में हाजिर हूं खबर यह है कि इमरान खान को 40 का एक और झटका लगा है बल्कि भाई ने चाली तो, तो वी सकता ये काम अहमत अंदाज तमाम ठीक है ये सारा मामला क्या है इसके ऊपर मैं आपसे अभी बात करता हूँ मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान में आइन के बानी पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को वोट देने वोट का हक देने वाला शख्स पाकिस्तान में आम आदमी को रहा की बजाय सिटीजन बनाने वाला शख्स पाकिस्तान में आम आदमी को सेहत म सिक्योरिटी जैसी बुनियादी इंसानी जरूरतों की गारंटी करने वाला शख्स जुल्फकार भुट्टो जिसको फांसी पर लड़का दिया गया और उसकी फांसी की सज़ा जो है वो खुद इस वक्त तक फांसी पे लटकी हुई है इस वजह से कि उसको कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि उसको जायज़ फांसी हुई थी हर शख्स ये कहता है कि भुट्टो का जो केस है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख के ऊपर एक स्याह दब्बा है आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा बलाव भुट्टो जरदारी तीसरी नस्ल आ गई भाजी खिलो के इंसाफ मांग रही और इंसाफ नहीं मिल रहा ये लोग जो हैं मुख्तल किस्म की बातें करते हैं मगर देखें जो जुल्म हुआ है इस मुल्क के अंदर वो जुण उस जुल्म का तजकरा ना करना उससे बड़ा जुल्म होता है यानी एक खानदान भुटो खानदान भुट्टो को नजायज़ तौर पर फांसी दी गई ये मैं अकेला नहीं कह रहा तमाम जितने भी जूरस्ट आज तक जिन्होंने देखा है सवाए उस शख्स के जिस शख्स ने ये फांसी की सजा दिलवाने में यानी जिसके ने कहा कि मेरे बाप को भुट्टो ने मार दिया है वो जो कसूरी साहब हैं ठीक है अदरवाइज जिनने सजा दी वो आप मन गया कि हम पर दबाव था हम हमसे ज्यादी करवाई गई भुट्टो के साथ नसीम हसन छाह ये खोसा साहब के जो थे आ, सुसर थे खोजा साहब मैं लतीफ़ खोजा साहब की बात नहीं कर रहा दूसरे खोजा साहब जो होते थे अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और जिन्होंने गुस्सा बढ़ाना चाहिए शरीफ होते थे नवाज शरीफ करता फट के मैं उन्हीं की बात करूँ उनके सुसर थे अच्छा आ, नसीम हसन शाह साहब का इंटरव्यू है सर आप अभी अभी गूगल पे सर्च करें और ये इफ्तार अहमद साहब जो हैं जवाब दे प्रोग्राम करते थे जियो के अंदर उसमें उन्होंने ये बात बकायदा तौर पर नसीम शाह ने तस्लीम की भी इसके अलावा दुरा पटेल साहब का भी एक इंटरव्यू का आज हवाला आया और वो हवाला जो है वो महदूम अली खान साहब ने दिया है जो कि पी टी वी के रिकॉर्ड में उनके मुताबिक है और सुल बड़ा साहब की किताब है जिसके अंदर उन्होंने उन, उन जजेस के इंटरव्यूज़ किए हुए हैं जो बड़े अहम यानी सियासी केसों के अंदर जज रहे हैं तो वो भाजी सारी गलियाँ ने अपनी थान पर मौजूद हैं जुल्फकार अली फांसी लट गए आज तक जो है इंसाफ नहीं मिल सका आ, उनके दो बेटे एक फ्रांस में पेरिस में कत्ल हो गया इंसाफ नहीं मिला अंदाजा लाओ इज भी इंसाफ नहीं लगा ठीक है आ, फिर एक आ, अपने घर की दहलीज पे कत्ल हो गया मुर्त, मीर मुर्तजा भुट्टो आज तक इंसाफ नहीं मिला बेनज़ीर भुट्टो लियात बाग पिंडी में जलसा करने के बाद निकली सारी दुनिया ने देखा किस तरह से उनको शहीद कर दिया गया आज तक इंसाफ नहीं मिला तो भुट्टो का नवासा आज एक बार फिर अदालत के अंदर खो खड़े होकर अपने नाना के लिए इंसाफ मांग रहा है माँवी नहीं लबा बारह साल भी वो भी जेल कट ली इंसाफ़ नहीं लब्बा आज भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप डील कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं वैसे आज बलाउल भुट्टो जरदारी ने जिस तरीके से एक मेरे दोस्त मेरे साथी साफी को जो है वो क्या कहते हैं ਕਲੀਨ ਬੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਆਏ ਜੋ ਮੂੰਹ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਾ आज तक कभी किसी का भी ही नहीं जब तक इस मुल्क के अंदर मैं बार बार कहता हूँ और जब मैं ये बात कहता हूँ तो यकीन करें मेरे जो साफ़ी भ्रा ने मैनू घूरियाँ पाते हैं बकायदा और दो चार जड़े तो कहते हैं तू अपने जगदा आप दुश्मन हो लेकिन मैं तो पाकिस्तान की मोहब्बत में बात करता हूँ और पाकिस्तान की मोहब्बत मुझे ये कहती है कि मैं इस मुल्क के अंदर जो खामखा की इल्ज़ाम तराशी हैं उनके खिलाफ कोई काम करना चाहिए डेफेमेशन ला जो है उसके ऊपर अमल होना चाहिए इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स क्यों नहीं बनाई जा सकती मुझे ये समझ नहीं आती जब तक स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनेंगी जिस तरह से लंडन में होता है यार बाकी दियो जो लंदन में हो रहा है ना सर इस कानून के तहत वो पाकिस्तान में करना शुरू कर दें पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है आप जिसके जो दिल करता है मुह चुप इल्जाम ला दो मिसाल के तौर पर कमिश्नर पिंडी जड़ा वो चटा साहब वो खुदा का वास्ता है आपकी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो आ, क्या कहते हैं वो गुनाहों से मुबर्रा हो चलो मैं अपने आप नोक लेना और आप इल्जाम लगा रहे हैं जस्टिस काजिज फाइज साहब के ऊपर ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगा दिया आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जाम लगा दिया कोई सबूत नहीं आपके पास कोई बात ही नहीं है ताड़ा तलक ही कोई नहीं पूरे इलेक्शन प्रोसेस के नाम यार कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उन्हें पाए फिर लड़ने नहीं देता उन्होंने कहा ना ऐसे नहीं होगा जूर पहले आप सबूत दें आपने ये इल्ज़ाम लगाया बताया आपने कहाँ देखा मुझे तो उसके बाद फिर आए बाएं छाएँ और इधर उधर चूंकि चुनाचे शुरू हो गई तो चीज़ों को थोड़ा सा और तरीके से देखने की जरूरत है पाकिस्तान के सोल्यूशन जो है वो आइन के अंदर मौजूद हैं और उनके तहत ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है हर चीज़ का हल होंगे भाजी मसला सिर्फ है ना कि जो तुम हल करना चाहो जो तुम नहीं करना चाहो तो फिर किसी मसले का हल हो ही नहीं सकता फिर तो आप कोई भी चीज़ हल नहीं कर सकते लेकिन बार बलाव भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर मीडिया टाक करते हुए जो बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वो उन्होंने ही जो बात की है उससे थोड़ा सा है ना मतलब आ, चीज़ा गड़बड़ की निशानदेही होती है या यू कह लेंगे एवं एक बार फिर जहाँ लोगों दावें जी जाए वो ये है कि कह रहे हैं इस तरह करके ना लाहौर कहते हो जा रहे है कि पाए ट्र मुंडा तो पाए मुंडा इस पास ट्र वो कहता है मेरा असूली मौका बे मैं आपकी हुकूमत बने हैं। मैं आपको वोट करूंगा आपकी जो पॉलिसीज होंगी वो हमारे साथ नगोशिएट अब कर रहे हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को इंप्लीमेंट करेंगे हमारा भी एजेंडा आपका भी एजेंडा है म्यूचुअल चीज़ों के ऊपर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद आप हुकूमत बनाएं मैं आपके साथ हूँ आपको मुकम्मल वोट भी करूँगा सपोर्ट भी करूँगा और किसी किस्म की डिस्टेबलाइजेशन भी नहीं होगी मैं किसी पास से नहीं जाऊंगा हाँ ये आप कहेंगे के मैं कैबिनेट का हिस्सा बनूंगा तो कैबिनेट का हिस्सा मैं कोई नहीं बनना ना मैंने कैबिनेट में आना है ना मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग कैबिनेट में आए ये मेरी एक प्रिंसिपल पोजिशन है ये तो मैं उधर नहीं होना अच्छा मैं सच्ची बात है इस बात से एक अजीब सा जो है वो ये उभरता है कि एक तरीके न लू पीपल्स पीटी ना लिखे वैसे आ, पाकिस्तान के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ये बिल्कुल आ, अगर कोई बंदा कहे कि है नहीं होना मतलब टाइम पीरियड हो सकता है कि इन, इन अगले एक साल ही आ, नहीं हो सकता लेकिन आ, मैं आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है फिर भी मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का अलाइंस नहीं करेगी वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का इल्म है कि ये जो लोग हैं ना इन्हों का पीछा ठीक नहीं गा इन्ह का पूरा कमाद बिगड़े है ऐीक नहीं हो सकते इनके साथ मिल के हम खाम खा जो है एन जाने वाले जड़े ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੇ ਮਗਰ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਓਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਹ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ लोगों को आ, का जो गुस्सा है वो हमने फेस किया है पोलिटिकल कैपिटल हमारा जो है सारे का सारा वो ड्रेन आउट हो गया और पीपल्स पार्टी ने तो कुछ नहीं बिगड़ा उन्हें तो सीटा गेन कीतियाँ उधर तो वोट वे तो असं जो थले आ गए हैं ये मुस्लिम लीग नून का अपना एक ख्याल है और ये ख्याल गलत नहीं है जो भी में होगा पाए सामने करके चीज़ा मतलब वजनगियाँ और क्योंकि महंगाई जो है वो तो अन्यवा होनी है मैं आपको पहले कह रहा हूँ यहाँ पर आप चाहे कैदी नंबर चार सौ बीस को ला के बैठा दे चाहे यहाँ पर आप किसी भी शख्स को ला के बैठा जुल्फकार भुट्टो काट लियाओ यार वो ना दो जो मौजूदा हालात हैं इसमें आप महंगाई कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ होंगी बहरहाल अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बातें की हैं उसके बाद थोड़ा सा जड़िया ना अखाँ पुठिया सीधियाँ हुई हैं ज़रूर नहीं लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँ कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी और हुकूमत बहरहाल बनने जा रही है पंजाब के अंदर तो आप जो समझिए कि आज आज से तीन दिन बाद शायद इसम्बली का इजलास चलाया जाएगा और वहाँ पर नौ मनतखबान इसम्बली जो हैं वो हल्फ लेंगे और नौ मनतखबान इसम्बली के हल्फ लेने का मतलब ये है कि स्पीकर का इंतख्य होगा सबसे पहले उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस का इंतब होगा तो पंजाब ही दे गवर्नमेंट फॉम होन जा रही था मतलब ठीक है।, है तो चीज़ें बेहतरी की तरफ बहरल बढ़ रही हैं बाकी जिन लोगों ने हर वक्त जो है ना वो नेगेटिव चीज़ें तलाश करनी होती हैं वो उनकी मर्ज़ी है वो करते रहे ए, मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद ख़ान न्याजी जो है उनके उन्होंने एक चाल चली पहले भाई ने चाल चली कि एम डब्ल्यू एम के साथ मिलकर जो है ना हम वो हुमत बनाएंगे मिल के क्या बनाएंगे आप उसमें जम होंगे तो बनेंगी ना सर वो जम होने की कोशिश की पता लगा उन्होंने लिस्ट कोई नहीं दी थी उतरे वेमन सीट जो है वो है ही कोई नहीं ठीक है ये नहीं उन्होंने लिस्ट ही कोई नहीं दी कि हमारी रिजर्व सीट्स सीट ये होंगी इतने लोग होंगे हमारे ये ये नाम है लिस्ट देनी होती है नहीं देती कागजत देने चाहिए उन लोगों के साथ कोई नहीं दी भी फिर जनाब सुनीता हाथ कौंसिल के साथ बैठ गए इन्ने बड़े वकील ने ढल गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो जो पी टी आई के अपने आप को वो कोई चेयरमैन कहता है कोई जनरल सेक्रेटरी कहता है पता नहीं बाहर जो भी उधर उनके पास हैं इमरान खान का कम अज़ कम इतवाद उन सबको हासिल है तो वो बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या जी हम सुन्नीता हाथ कौंसिल में जा रहे हैं तो ठीक है सुनीता हाथ कौंसल में चले जाएँ और पचाँह जने ने एफिडेविट भी देते हैं पढ़ के बावन मह नाइनटी टू शायद उनकी हैं अपना सीट्स है और पंजाब बुंजा जने ने देते ने अपना एफिडेविट दे दिए कि ठीक है जी हम सुनीता आद कौंसिल में शामिल हो गए और पता की लगा पता ये लगा कि सुनीता आद कौंसिल ने भी रिजर्व सीट्स के लिए कोई वो दी नहीं हुई फहरिस्ती नहीं दी हुई सुनीता आद कौंसल ने तो बतौर सुनीता आद कौंसिल इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं किया हुआ वो जो हामद साहब हैं वो खुद तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आए हुए ठीक है तो नॉट एज सुनीता आद कौंसल तो बहुत सारे लीगल मसाइल जो हैं वो बन गए अच्छा अब ये जाना क्यों चाहते हैं ये इसलिए 63 ए जो है वो लागू हो जाएगी अगर कोई छोड़ के जाएगा और उसकी जो डेफिनेशन आई हुई है मार्केट के अंदर आ, और वो डेफिनेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान वाले पास लोगों ने की है मैं इस बात को कह है कि बस आगे बढ़ जाना चाहता हूँ इस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता कि जनाब वो ना सिर्फ ये कि वोट काउंट नहीं होगा उनका बल्कि वो नाहल भी हो जाएंगे तो ये उनकी नई एक जो है वो पर आई थी ये लाहौर के जो पंजाब असंबली के हुए थे ना वहां पर लोग जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की थी उसके ऊपर ये एक वो आया था मामला बहर अब मसला ये है कि जनाब ये आ, साथ वो चाहते थे कि उनको खतान की नशिस्तें मिल जाए चिंगियां भलिया खात की नशिस्तें सर सुनीता आदगोन सर लिस्ट नहीं दी हुई ये बात खुद रिपोर्ट की बीबीसी जैसे अदारे ने और कंफर्म करें क्या जनाब असि तो कोई लिस्ट दी नहीं तो इमरान खान को यानी यहाँ से भी झटका लग रहा है खातिन की निशिस्तों वाला भी और अब तक जब तक मैं आपसे विलाक करूँ कम अज कम चालीस एम एन एसे हैं कम अज कम चालीस एम एन एसे हैं जिन्होंने अभी तक एफिडेविट नहीं दिया कि हम फलानी पार्टी में जा रहे हैं सुनीतात कौंसल या एमडब्ल्यू एम किसी में जा रहे हैं उन्होंने नहीं दिया ठीक है ये तरीके इंसाफ के हिमाती हैं अच्छा और कहा यह जा रहा है गुमान ये है कि वो लोग जो हैं वह कोई पीपल पार्टी चला जाएगा जा कोई जा जा जा, तो नमूनी चला जाएगा जा, वो इधर उधर हो गए ने उस सुनीता कौंसिल में जाने से एतराज बरत रहे हैं और वो लभ दे नहीं पे फोन कर कर ना वो बैरिस्टर गौड साहब या दूसरे लोग लगे भेजे ले आओ लियाओ उन्होंने फोन नंबर बन जा रहे हैं जरा इस बाग क्लेम कर रहे हैं वैसे ही मैं आपसे गुजारिश करूँगी बहुत मुमकिन है कि रात तक ये बंदे कट्ठे हो जाए ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਗਜ਼ਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੁਕ ਗਏ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਥੇ ਧੜਾ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕੇਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੀਟੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਖੀਰਲਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਟਰਪੇ ਨੇ ਤਾਂ 40 ਕਮਸ ਕਮ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਬ ਤੱਕ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਣ ਮਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪ ਦੂਸਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਮਗਰ ਜ਼ਰਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕੇ ਸਾਥ ਫਿਰ ਲੱਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਲਾਗ